तो हेलो गैस, आपका स्वागत है। मैं चल भारत गैस। तो आज के वीडियो में जाने वाला नेदर के अंदर बैलेज रोड को लेने के लिए। नेदर के अंदर जो फोर्ट्रेंस होता है ना, फोर्ट्रेंस में जो बैलेज स्पॉन होती है ना, बैलेज को मारने से बैलेज रोड मिलता है। और ये जो बैलेज रोड है ना, इसका ना बहुत ज़्यादा फायदा है। पहला कि आप इसे ब्रूइंग स्टैंड बना सकते हो। उसे ब्रूइंग स्टैंड आप किसी विलेज में से भी लेके आ सकते हो, लेकिन उसके अंदर पोषण बनाने के लिए उसे पहले चार्ज करना होता है बैलेज पाउडर से, और बैलेज पाउडर बैलेज रोड से बन जाता है। और बैलेज पाउडर की मदद से एंडर चेस्ट भी बनाया जा सकता है। एंडर चेस्ट और ब्रूइंग स्टैंड कैसे बनाया जाएगा ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जब मैं बैलेज रोड लेके आ जाऊंगा तब। और ये मेरे पास जो नेदराइट का स्वॉर्ड है और जो ये नेदराइट का मेरे पास आर्मर है ना, इन सभी को मैं नेदर के अंदर लेके जाने वाला हूँ। वैसे अगर मैं कोई और दूसरा सा आर्मर लेके जाऊँगा ना, तो नेदर के अंदर मैं बहुत जल्दी मारा जाऊँगा, इसलिए मैं ये नेदराइट के आर्मर और स्वॉर्ड लेके जा रहा हूँ। और नेदर के अंदर मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये रिस्पॉन एंचर बनाऊंगा। इसको बनाने के लिए 6 क्राइन ऑब्सीडियन और 3 ग्लोस्टोन की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास 3 क्राइन ऑब्सीडियन तो है, बस उसे मुझे तोड़ना पड़ेगा। जो मुझे ये नेदर पोर्टल का स्ट्रक्चर मिला था ना, इस स्ट्रक्चर में देखो 3 क्राइन ऑब्सीडियन है। तो अभी मैंने डायमंड के पिकैक्स से तोड़ लेता हूँ। ये खाली डायमंड के पिकैक्स या फिर नेदराइट के जो पिकैक्स होते हैं ना, उसी से ही तोड़ने से मिलता है। ओके, तो मेरे पास 3 क्राइन ऑब्सीडियन हो चुके हैं। और 3 क्राइन ऑब्सीडियन जो पिगलैंड होते हैं ना, पिगलैंड से मैं ट्रेनिंग करके लूँगा। वो कैसे, मेरे पास ना गोल्ड इंगिट है। गोल्ड इंगिट को अगर मैं उनके आगे में फेंकता हूँ ना, तो वो कुछ देर गोल्ड इंगिट को लेकर देखते हैं। देखने के बाद वो ना कई सारे सामान देते हैं, जैसे ऑब्सीडियन, क्राइन ऑब्सीडियन, पोशन कई सारे, और बुक देते हैं कई सारे इंचानमेंट के, और आर्मर देते हैं जिसके अंदर इंचानमेंट होता है, और भी कई सारे सामान वो देते हैं। और मुझे ग्लोस्टोन की जरूरत पड़ेगी, तो वो देखो बहुत सारे ग्लोस्टोन है, तो मैं जा रहा हूँ उसे तोड़ने के लिए। 3 ग्लोस्टोन की जरूरत तो रिस्पॉन एडाप्टर बनाने में लग जाएगा। और रिस्पॉन एडाप्टर में ना, रिस्पॉन सेट करने के लिए पहले उसे ना ग्लोस्टोन से चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद ही उस पर रिस्पॉन सेट किया जा सकता है। तो मुझे बहुत सारे ग्लोस्टोन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सभी को ही तोड़ लेता हूँ। ओके, तो अभी मेरे पास 46 ग्लोस्टोन डस्ट हो चुके हैं, तो अब मैं ग्लोस्टोन बना लेता हूँ। अभी मैं 11 ग्लोस्टोन बना सकता हूँ, 11 ग्लोस्टोन काफ़ी होंगे। अभी मैं ये गोल्ड का हेलमेट पहन लेता हूँ, वो इसलिए क्योंकि पिगलियन के पास बिना कोई गोल्ड का आर्मर पहन के जाएंगे तो वो बिन फालतू में ही मारने लग जाते हैं, इसलिए मैं गोल्ड का हेलमेट पहन लेता हूँ। अगर पिगलियन के पास कोई सा भी गोल्ड का आर्मर पहन के जाओगे, हेलमेट, चेस्ट प्लेट, पैंट या फिर जूते, इनमें से कोई सा भी गोल्ड का आर्मर पहन के जाओगे, तो वो कुछ नहीं करते हैं। और मुझे जल्दी से इस वाले बायोम से बाहर निकलना है, इन स्केल्टन से मुझे पंगे नहीं ले। और ये वाला जो आर्मर है ना, नेदरराइट का आर्मर, इसके अंदर नॉकबैक भी बहुत ज़्यादा कम मिलता है। फंस गया भाई मैं नेदर के अंदर। सबसे ज़्यादा दिक्कत स्केल्टन और गैस से होती है। भाई मुझे भूख कितना लग रही है। ये कौन सा बायोम है भाई, यहाँ पे तो लाल लाल ट्री लगे हुए हैं, पता नहीं इस वाले बायोम का क्या नाम है। इधर ही मुझे ना बहुत बढ़िया यहाँ पे पिगलियन भी स्पॉन हो चुके हैं। पहले मुझे इन गेस्ट को निपटाना पड़ेगा। चलो दोनों मर चुके हैं। अब मुझे इस पिंगलैन से ट्रेनिंग करने के लिए ना मुझे गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। घर से मैंने गोल्ड तो बहुत सारा लेके आया हूँ। लो भाई जल्दी से अब मुझे क्राइन ऑब्सीडन दो, मुझे इनसे 3 क्राइन ऑब्सीडन चाहिए। पीछे वाले ने 2 क्राइन ऑब्सीडन दिया है, 5 क्राइन ऑब्सीडन हो चुके हैं। अब मुझे एक और क्राइन ऑब्सीडन, किसी ने अंडर पल दिया, बहुत बढ़िया, 6 क्राइन ऑब्सीडन हो चुके हैं। रिस्पॉन अडेप्टर बना सकता हूँ, ये छोटा वाला कुछ भी नहीं देगा, लेके भाग गया। ओके, तो अभी मैंने रिस्पॉन एडाप्टर बना लिया, तो अब इसको यूज कैसे करते हैं ये आपको मैं फोर्ट्रेंस में बताऊंगा, जब मेरे को वहाँ पे रिस्पॉन सेट करूंगा तब। अभी मैं रिस्पॉन सेट यहाँ पे करने लग गया ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। इसे तोड़ने के लिए ना डायमंड का पिकैक्स या फिर नेदरराइट का पिकैक्स की जरूरत होती है। और एक चीज़ तो मैंने बताना भूल गया कि ये देखो नेदर में कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने ना स्मूथनेस लाइट और फैंसी ग्राफिक्स को, इन दोनों को मैंने ना ऑफ कर रखा है, इसी वजह से नेदर इतना क्लियर दिखाई दे रहा है। और साथ में मैंने थोड़ा सा ब्राइटनेस भी बढ़ा रखा है। अगर आपको इसे ऑफ करना है ना, तो आप सेटिंग में जाओगे, तो वहाँ पे वीडियो के सेक्शन में जाओगे, तो आपको सबसे नीचे फैंसी ग्राफिक्स और स्मूथनेस लाइट का आपको मिल जाएगा, तो उन दोनों को आप ऑफ कर देना। और साथ में अगर ब्राइटनेस भी बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। 2000 years later. यहाँ पे तो क्या करो, ये बायोम है, इस वाले बायोम का नाम वारपेड बायोम नाम है। अरे वाह, यहाँ पे तो मुझे फोर्ट्रेस मिल चुका है गाइस, बहुत बढ़िया। पहले मुझे इस गेस्ट को निपटाना पड़ेगा वहाँ पे जाने से पहले, ये बाद में परेशान करेगी। एक और स्पॉन आ गए भाई। मैं यहाँ पे एक छोटा सा घर बना लेता हूँ कुछ सामान रखने के लिए। अब मैं गेट भी बना के इधर लगा देता हूँ। अब मैं इधर से ऊपर जाने का रास्ता बनाऊंगा, यहाँ से मैं ना लेडर लगाऊंगा ऊपर जाने के लिए। अब मुझे बहुत सारे लेडर बनाना है, लेडर बनाने के लिए पहले मुझे स्टिक बनाना पड़ेगा। 24 लेडर काफ़ी होंगे,
तो अब मैं एक चेस्ट भी बना लेता हूँ, इसके अंदर में जो फालतू के मेरे पास सामान है ना उन सभी को रख देता हूँ। अब ये रिस्पॉन अडेप्टर है ना, इसका यूज करने के लिए इसे कहीं पे रख दो। रखने के बाद इसे ना चार्ज करने के लिए ग्लोस्टोन की जरूरत पड़ेगी। ग्लोस्टोन लेकर इसके ऊपर ना क्लिक करोगे ना तो चार ग्लोस्टोन से एक बार में इसे चार्ज किया जा सकता है। नीचे आपको लेवल भी दिखाता है कि कितना चार्ज हो चुका है। जब वो चारों तरफ से भर जाएंगे ना तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। उसके बाद रिस्पॉन अडेप्टर पर क्लिक करके अपना रिस्पॉन सेट कर लो। अगली बार जब आप चार बार लगातार यहाँ पे मरोगे ना तो यहीं पे आके स्पॉन हो जाओगे रिस्पॉन अडेप्टर साइड में ही। लेकिन जब आप पांचवी बार मरोगे ना तो सीधा अपने नॉर्मल वर्ल्ड में जाके स्पॉन हो जाओगे। तो ग्लोस्टोन को लेकर ना जब जब मरोगे तो तब तब इसे ना चार्ज करते रहना। अब मैं लैडर को यहाँ पे लगा देता हूँ ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे एक बैलेज भी स्पॉन है। ये मुझे मार क्यों नहीं रही है? इसने मुझे बैलेज रोड नहीं दिया। चलो कोई नहीं, अब मैं कबलस्टोन से घेर देता हूँ ताकि वेदर स्केलेटन से मैं बच सकूँ। इधर मुझे गेट भी लगाना है। यहाँ पे इस पिगलैन की कोई जरूरत नहीं है। Oh my God. तो चलते अब बैलेज को मारने के लिए। इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर भी कोई स्पॉन नहीं हुआ। यहाँ पे एक वेदर स्केलेटन है, भागता कितना तेजी से ही है। इधर कोई नहीं, इधर एक बैलेज स्पॉन है। ये वेदर स्केलेटन कहाँ से आ गया? कुछ नहीं मिला इसे। यहाँ पे तो दो दो वेदर स्केलेटन है। एक एक करके आने का सबको प्रसाद मिलेगा। ये कहाँ से आ जाता है यार? इसका डैमेज ना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसने बैलेज रोड भी दिया, बहुत बढ़िया। पूरा आधा हेल्थ ख़त्म हो चुका है। मेरे पास 8 बैलेज रोड हो चुका है। यहाँ से मैं कम से कम 10-15 बैलेज रोड तो लेके जाऊंगा ही। यहाँ पे नेदर वॉट भी है तो इन्हें मैं ले लेता हूँ। इनकी पोषण बनाने में जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक चेस्ट भी है, पहले मैं देख लेता हूँ आसपास कोई है तो नहीं ना। क्या इसके अंदर ये बकवास ही लूट मिली है। मेरे पास 12 बैलेज रोड हो गए। इतने बैलेज रोड काफ़ी होंगे। तो अब ये जो मॉब है ना, इस वाले पता नहीं मॉब का क्या नाम है, छोरो, इस वाले मॉब से मारने के बाद जो मैग्मा क्रीम मिलता है ना, उस मैग्मा क्रीम से फायर प्रोटेक्शन का पोषण बनता है। मैं यहाँ से मैग्मा क्रीम भी लेके चल ही जाता हूँ। अगली बार जब आऊँगा तो मैं फायर प्रोटेक्शन के पोषण के साथ आऊँगा। देखो ये होता है मैग्मा क्रीम। दो ही मैग्मा क्रीम हुए हैं। चलो कोई नहीं, दो मैग्मा क्रीम से काम बन जाएगा। जितना मुझे बैलेज रोड चाहिए तो उतना मेरे पास हो चुका है। तो अब मैं जो जरूरत का यहाँ पे मेरे पास सामान है ना उन सभी को मैं ले लेता हूँ। उसके बाद चलेंगे सीधा घर पे। अब मैं इस रिस्पॉन अडेप्टर को तोड़ लेता हूँ। उसको तोड़ने के लिए डायमंड की पिकैक्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं घर से डायमंड का पिकैक्स लेके आया था। लेकिन उसको तोड़ने के बाद ना जो ग्लोस्टोन से ये चार्ज रहता है वो चार्ज खत्म हो जाता है। तो मैंने अभी जरूरत का सारा सामान ले लिया है। तो चलते हुए भी अपने घर पे, पहले मुझे इस गेस्ट को मारना पड़ेगा, बाद में परेशान करेगी। 2000 years later. Okay guys, तो अभी मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। और मेरा हेल्थ इतना कैसे कम हो गया? अभी रात भी हो रहा है तो मैं पहले सो लेता हूँ। ये पेड़ है ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? पेड़ के डिजाइन की नहीं कह रहा, वो जो इसका शैडो दिखाई दे रहा है ना, इसकी कह रहा हूँ। ऐसा नहीं दिखाई देना चाहिए। एक बार मैं स्मूथ लाइटिंग को एक बार ऑफ करके देखता हूँ और फैंसी ग्राफिक्स को भी। अब भी वैसे ही दिखाई दे रहा है, मुझे गेम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब बढ़िया लग रहा है। मैंने फैंसी ग्राफिक्स को ऑफ किया था ना तब भी ट्री जंगल टाइप के लग रहे थे। तो अब मेरे को ब्रूइंग स्टोन बनाना है। ब्रूइंग स्टोन बनाने क्राफ्टिंग टेबल में एक ब्लेज रोड रखना है। उसके ठीक नीचे 3 लाइन से कबल स्टोन को रखना है जिससे कि ब्रूइंग स्टोन मिल जाता है। अब मैं ब्रूइंग स्टोन को यहाँ पे रख देता हूँ। अब इसको ना चार्ज करने के लिए ना ब्लेज पाउडर की जरूरत होती है। ब्लेज पाउडर को बनाने के लिए ना इन्वेंट्री में जो 4 ब्लॉक होते हैं वहाँ पे बैलेज रोड को रख देना जिससे कि बैलेज पाउडर मिल जाता है। बैलेज पाउडर को बना लेने के बाद ना जब ब्रूइंग स्टोन खोलेगा तो वहाँ पे एक बैलेज पाउडर से बना हुआ यहाँ पे दिख जाता है। तो वहाँ पे आपको बैलेज पाउडर को रख देना है जिससे कि ब्रूइंग स्टोन चार्ज हो जाता है। अब मेरे को एंडर चेस्ट बनाना है। एंडर चेस्ट बनाने के पहले मुझे एंडर आई बनाना पड़ेगा। एंडर आई बनाने के लिए कर्फिंग टेबल में एंडर पल और बैलेज पाउडर को इस तरीके से रखना है। किसी भी तरीके से रख दो, बस मिलाना है इन दोनों को। इन्वेंट में जो 4 ब्लॉक होते हैं ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं थोड़े से एंडर आई बना लेता हूँ। अभी इसमें एंडर आई को चेस्ट के अंदर रख देता हूँ और इस बैलेज रोड को भी। अभी इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऑब्सीडियन लेने के लिए भी जाना है। और इन आर्मर को भी मैं अभी रख देता हूँ। एंडर चेस्ट बनाने के लिए बीच में एंडर आई और उसके चारों तरफ 8 ऑब्सीडियन को रख देना होता है जिससे कि एंडर चेस्ट मिल जाता है। अभी मैं बकेट को भी ले लेता हूँ, ऑब्सीडियन बनाने में काम आएगा।
अब ऑब्सीडियन बनाने के लिए ना आपको ना लावा की ज़रूरत होगी। आपको किसी भी गुफा के अंदर लावा बड़े आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आपको लावा के साइड में आपको पानी को रख देना। उसके बाद जो लावा होगा ना उसके ऊपर पानी जाएगा तो लावा ऑब्सीडियन बन जाएगा। तो उसके बाद डायमंड के पीएक्स या फिर नेदराइट के पीएक्स से आपको ऑब्सीडियन को तोड़ लेना है। मुझे 2 एंडर चेस्ट बनाना है, उसके लिए 16 ऑब्सीडियन की ज़रूरत होगी। ओके, तो मेरे पास 16 ऑब्सीडियन हो चुके हैं। ओके गाइस, तो अभी मैंने एंडर चेस्ट बना लिया, तो अब इसका यूज करने के लिए ना, अभी रुको इसको मैं कहीं पर रख के दिखाता हूँ। अरे मैंने इसे कहाँ पे रख दिया यार। अब इसे तोड़ने के लिए ना स्किल टच की पिकैक्स की जरूरत होगी, जिसके अंदर स्किल टच का एन्चांटमेंट होगा। अभी मेरे पास स्किल टच की पिकैक्स भी नहीं है, छोड़ो इसे अभी यहीं पे। अभी एक और मैं एंडर चेस्ट बना लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि जो ये एंडर चेस्ट है ना, इसका यूज कैसे करते हैं। इसका यूज करने के लिए ना आपको इसके अंदर कोई सा भी सामान रख दो। रखने बाद अगर आपने कहीं दूसरी जगह पे अगर कोई एंडर चेस्ट रखा उसके अंदर जाके चेक करोगे ना, तो उसके अंदर वही सामान मिलेगा जो आपने पिछले वाले एंडर चेस्ट के अंदर रखा था। तो इस तरीके से अगर अपना स्किल टच से पिकैक्स अगर इसे तोड़ते हो ना, तो इसके अंदर जो सामान है ना वो सामान बाहर नहीं निकलता, उसी के अंदर रहता है। उसके बाद अगर आप कहीं और रख के उसे के अंदर वो सामान देखोगे तो वो उसी के अंदर सामान होगा। इसी वाली वीडियो में बता देता हूँ कि नेदर वर्ल्ड से ना इसकी फार्मिंग कैसे कर सकते हो। उसके लिए सोल सैंड की जरूरत होगी। इसे कहीं पे भी नेदर के अंदर मिल जाता है। इसके ऊपर कहीं पे रख के अगर नेदर वर्ल्ड को रखोगे ना, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो लग जाता है। उसके कुछ दिनों बाद अगर आप चेक करोगे ना तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। उसे तोड़ोगे तो आपको डबल नेदर वर्ल्ड मिलेंगे। तो गाइस, मैं वीडियो में ही खत्म कर रहा हूँ। और अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो कर ही देना, और चैनल पर नहीं तो भाई क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ना पोषण की वीडियो चाहिए, मतलब कि मैं उस वाली वीडियो में बताऊंगा कि पोषण कैसे बना सकते हैं और इसका क्या यूज है, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।